सोलर प्लांट कैसे लगाए जाते हैं, इसका यह पार्ट थ्री है जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि सोलर प्लांट में जो SMB लगती है, स्ट्रिंग मॉनिटरिंग बॉक्स लगता है, उसको किस लिए लगाया जाता है और प्लांट में वह किस जगह लगता है। तो इससे पहले जो हम वीडियो लेके आए थे उसमें हमने आपको बताया था कि सोलर प्लांट के लिए जो गड्ढे किए जाते हैं, जो पाइल्स किए जाते हैं, उसको कैसे किया जाता है, और उसके बाद आपको बताया था कि जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे लगाया जाता है, इसके बारे में हमने आपको सब कुछ डिटेल में बताया था। तो जिन भी दोस्तों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, सेकंड पार्ट नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और जो जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए, क्योंकि हम सोलर प्लांट से रिलेटेड और इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं जो आपके बहुत काम आ सकती हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, लग के कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमें इसको जो स्ट्रिंग मॉनिटरिंग बॉक्स है इसको लगाना पड़ता है। ये क्या करता है, जो हमारी स्ट्रिंग है उसको जो डाटा है वो अपने आप में इकट्ठा करता है, फिर उसके बाद जो PCU को ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसको हमें सोलर प्लांट में कहाँ पर लगाना चाहिए, तो देखिए ये जो स्ट्रिंग मॉनिटरिंग बॉक्स है ये 24 स्ट्रिंग को मॉनिटर करता है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो 24 स्ट्रिंग है उसके बीच में इसको लगाना चाहिए, जिससे हमारा जो स्ट्रिंग का वायर है वो एक जगह आ जाए, जिससे सभी को आसानी हो, और जो हमारा DC वायर है वो कम लगे। तो कोशिश ये करनी चाहिए जो हमारे जो 24 स्ट्रिंग इसमें कनेक्ट हो रही हैं उनके बीच में ही ये स्ट्रिंग मॉनिटरिंग बॉक्स लगना चाहिए। तो ऐसी ही कोशिश की जाती है, इसको स्ट्रिंग के बीच में लगाना पड़ता है जिससे जो वायर हैं वो इधर तक आसानी से आ जाएं और जो वायर है वो हमारा कम लगे। तो इसी प्रकार की इसकी कोशिश की जाती है। तो देखिए, जब पहले ही डिसाइड हो जाता है कि जो स्ट्रिंग मॉनिटरिंग बॉक्स है वो कहाँ लगना है, तो जब जो स्ट्रक्चर खड़ा होता है तो इसमें जो वर्टिकल पोस्ट है वो यहाँ पर स्ट्रिंग मॉनिटरिंग बॉक्स के हिसाब से लगाई जाती है। उसमें क्या होता है, ये होल होते हैं वर्टिकल पोस्ट में, तो वही जो वर्टिकल पोस्ट है वहाँ पर लगाई जाती है जो इसको कनेक्ट करने के लिए, इसको लगाने के लिए। तो यहाँ पर उसी प्रकार की जो वर्टिकल पोस्ट है वो लगाई गई थी जिसमें होल होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद ये वाला जो चैनल है इसको लगाया जाता है और इसको इस प्रकार से यहाँ पर कस दिया जाता है, और दूसरी साइड भी इसी प्रकार से थोड़ा वहाँ पर काट लिया जाता है उस चैनल को, और फिर वहाँ पर इसको कस दिया जाता है। उसके बाद जो नीचे हमारी पत्ती लगी हुई है इनको लगाया जाता है जिससे कि जो हमारा स्ट्रिंग बॉक्स है वो कनेक्ट हो सके। तो नीचे दो पत्ती को लगाया जाता है दोनों साइड जो वर्टिकल पोस्ट है उसके, और जो भी चैनल या जो पत्ती यूज़ हो रही है वो सभी गैल्वनाइज्ड आयरन की बनी हुई है जिससे इसमें जंग ना लगे, ये ऐसे ही चलता रहे। तो देखिए, फिर उसके बाद जो चैनल है, चैनल में इस प्रकार की जो पत्ती है, इस प्रकार का जो चैनल है वो लगाया जाता है जिससे कि इस पर हम जो स्ट्रिंग मॉनिटरिंग बॉक्स है उसको माउंट कर पाएँ। तो इसको जो पहले जो चैनल लगाया था उसमें कस दिया जाता है नट बोल्ट की सहायता से, और इसी प्रकार से जो ये चैनल ऊपर लगाया गया है इसी प्रकार से जो नीचे वाली पत्ती है उसमें भी इसी प्रकार से इसको लगाया जाता है। तो दोनों साइड इसको अच्छे से टाइट कर दिया जाता है कई स्क्रूवों से जिससे कि ये बिल्कुल भी लूज़ ना हो, हिले डुले नहीं, क्योंकि जो हमारे स्ट्रिंग मॉनिटरिंग बॉक्स होता है वो हैवी होता है थोड़ा। तो इस प्रकार लगाने के बाद जो हमारा स्ट्रिंग मॉनिटरिंग बॉक्स है उसको इस वाली पत्ती में कसा जाता है। ये देखिए, SMB जो है वो तीन पार्टों में डिवाइड है, ये पॉजिटिव साइड है SMB का, ये बीच वाला स्विच वाला साइड है, ये नेगेटिव साइड है। तो सभी को जो ये वाली जो पत्ती लगाई थी इसमें नट बोल्ट की सहायता से कसा जाता है, सभी में नट बोल्ट लगाए जाते हैं। तो हम आपको बैक साइड में जाके भी दिखाते हैं कि किस प्रकार इसके नट को लगाया गया है। तो देखिए, यहाँ से जो बैक साइड में जो नट लगाए गए हैं तो सभी को अच्छे से कस दिया गया है, और जो नट है वो हमारे 6 square mm के नट लगाए गए हैं, तो सभी को अच्छे से कस गया है। देखिए, पहले जो पत्ती है उसमें जो दूसरा हमारा चैनल था उसको लगाया गया, फिर चैनल में हम जो SMB है उसको माउंट किया गया है। देखिए, जो स्क्रू दिखाई दे रहे हैं ऊपर वाले भी सेम इसी तरह से लगाए गए हैं। देखिए, ये स्क्रू इस प्रकार से लगाए गए हैं जिससे कि ये अच्छे से फिक्स हो जाए और इसमें कोई भी लूजिंग ना रहे, इसीलिए ये जो चैनल है उसके जो नट बोल्ट लगाए गए हैं उसमें 8 square mm के लगाए गए हैं,
और फिर जो पत्ती में जो SMB कनेक्ट किया गया है उसमें 6 square mm के नट बोल्ट लगाए गए हैं। तो देखिए ये जो है SMB का पॉजिटिव साइड है, यहाँ पर पॉजिटिव बस बार है और फ्यूज़ लगे हुए हैं अलग अलग स्ट्रिंग के लिए, और ये वाला जो है वो स्विच साइड है, यहाँ से ऑन ऑफ होता है और कंट्रोलिंग के लिए भी कोई कार्ड लगे हुए हैं, और ये नेगेटिव साइड है, यहाँ पर कंट्रोल के कार्ड भी लगाए गए हैं और वहाँ पर फ्यूज़ भी लगाए गए हैं पॉजिटिव नेगेटिव साइड के लिए। तो देखिए ये जो SMB है तो इस प्रकार से कंप्लीट होती है, और इसके जो नीचे जो वायर आ रहे हैं तो इसके लिए हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे कि इसके जो वायर हैं वो किस प्रकार से यहाँ पर कनेक्ट किए गए हैं और कहाँ से इसको लेके आया गया है। तो जिन दोस्तों ने अभी हमारा जो सेकंड पार्ट है वो नहीं देखा हो तो उसको भी देख लें, वो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है उसका, वहाँ से देख सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए।